हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग आज, हो सकते हैं बड़े फैसले। जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से बड़े फैसले सरकार ले सकती है आज। और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में निकली हैं नई भर्तियां। जानेंगे किस विभाग में निकले हैं नए पद, आवेदन कब से करना है इस वीडियो में जानेंगे। वहीं पंचायत चुनाव पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, कोरोना संकट में फंस सकते हैं पंचायत चुनाव, पूरी खबर जानेंगे। बड़ी खबर निकल के आई है। और वहीं हिमाचल में लॉकडाउन के दौरान 136 सुसाइड कहां कहां हुए हैं जानेंगे इस पूरे बुलेटिन में। वहीं अगली बड़ी खबर है, इसमें सरकारी बस से सोलन पहुंची थी कोरोना की पॉजिटिव महिला, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया और ड्राइवर कंडक्टर तक को होम क्वारंटाइन करना पड़ गया है। कहाँ की खबर है जानेंगे। और HP 15A 5996 गाड़ी का बस नंबर है, अगर आपने उसे यात्रा की है तो कृपया सावधान हो जाइए। वहीं अगली बड़ी खबर, बदलेगा कॉलेज का एग्ज़ाम स्केड्यूल, सरकार ने हो सकता है बड़ा ऐलान कॉलेज के एग्ज़ाम्स को लेकर। और हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के ऊपर समीक्षा की जाएगी सीएम के द्वारा, 27 को हो सकता है बड़ा फैसला। अब जानते हैं खबरें विस्तार में। हिमाचल के कैबिनेट की आज मीटिंग है और बड़ी खबर निकल के आ सकती है। कोरोना संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकारों को मिले 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का लाभ उठाने को लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल वीरवार को होने वाली बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन भी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसके तहत सेब का खरीद मूल्य तय करने और सेब की खरीद की विक्रय केंद्र खोलने पर भी मोहर लग सकती है। साथ ही पीटीए व पैरा पैट शिक्षकों के चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के संबंध विषय पर भी निर्णय ले सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राज्य वन विकास निगम में होंगी नई भर्तियां। वीडियो की बैठक में विभिन्न श्रेणियों में 94 पद भरने को मंजूरी दे दी गई है। वन विकास निदेशक मंडल की बैठक बुधवार को संपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम ने तारपीन तेल की बिक्री को 5.7 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया है। वहीं पेड़ों की बिरोजा निकासी के लिए बोर होल का प्रयोग हो, जिससे कि बिरोजा की गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही बिरोजा बिक्री के लिए ई टेंडर सहित यील्ड बेस्ड प्रक्रिया का भी प्रयोग किया जाए। वहीं वन मंत्री ने बताया कि निगम के लिए सीधी भर्ती द्वारा 75 वन रक्षकों सहित विभिन्न श्रेणी के 94 पद जल्द ही भरे जाएंगे। वहीं आउटसोर्स प्रक्रिया से बहुउद्देशीय कामगारों की भर्ती भी होगी। आने वाली इसमें जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी जो खबर निकल के आई है, पंचायत चुनाव पर संकट मंडरा रहा है। इसी साल दे पंचायती राज प्रणाली के चुनाव कोरोना संकट में फंस गए हैं। इसकी वजह बहुत सारी मानी जा रही है, लेकिन बड़ी वजह कोरोना की केसेस को माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र गर्ग ने दावा किया कि चुनाव समय पर ही होंगे। राज्य में पंचायत राज संस्थाओं ने त्रिस्तरीय चुनाव नवंबर दिसंबर में ड्यू हैं। इनमें पंचायतों के अलावा जिला परिषद और BDC भी शामिल है। राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही लीक कर दिया है हालात चुनाव के, नहीं नई पंचायतों के गठन को आए हैं 500 आवेदन, वह भी फंसे COVID-19 के बीच में। हालांकि मंत्री बोले कि हम समय पर ही चुनाव करवाएंगे, बैलेट पेपर की आपूर्ति छपाई मुश्किल हो सकती है, मतदाता सूची का भी रिवीजन चुनौती भरा होगा, आने वाले समय में देखना होगा पंचायती चुनाव क्या मोड़ लेते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है, दुखद खबर है कि 136 लोग सुसाइड कर चुके हैं लॉकडाउन में। हिमाचल प्रदेश के लॉकडाउन के दौरान 136 लोगों ने मौत को गले लगाया है। सुसाइड मामलों में 14 की मौत उकसाने के चलते हुई है, जबकि 122 लोगों की मौत पर CRPC 170 के तहत कार्रवाई की गई। ये खुलासा पुलिस द्वारा अप्रैल मई माह के आंकड़ों में से हुआ है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता 306 के तहत अप्रैल मई में कुल 14 मामले दर्ज किए गए। कांगड़ा जिला में आत्महत्या सबसे ज़्यादा हुई है, महिलाओं सहित पुरुष भी मौत को गले लगाने में आगे आए। पुलिस विभाग ने जारी किया अप्रैल मई का आंकड़ा, CRPC 174 और IPC 306 के तहत मामले दर्ज हुए हैं। इनमें अप्रैल बिलासपुर में एक व्यक्ति और ऊना के एक मामला अप्रैल के व मई को सुसाइड का सामने आया। IPC धारा 306 के तहत दर्ज मामले में मई माह में बिलासपुर का एक, अप्रैल हमीरपुर का एक, कांगड़ा अप्रैल मई माह में एक एक, वहीं अनेक जिलों से खबरें निकल के आई हैं। वहीं अगर 122 सुसाइड मामले धारा 174 के तहत आए हैं, इसमें पुलिस की कहित रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की है। वहीं
कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना से जुड़ी हुई एक महिला सरकारी बस से सोलन पहुंची थी जो कोरोना पॉजिटिव निकली है। मोबाइल नंबर 9481800556 पर उन्हें ज़रूर सूचना दें। उन्होंने कहा कि ये बस परवाणु से 7:45 बजे शिमला के लिए रवाना हुई थी और इसी बस के माध्यम से 2 महिलाएं परवाणु से सोलन तक आई थी। इसके बाद जब उनकी सूचना प्रशासन को मिली तो SDM सोलन रोहित राठौर ने टीम सहित इन दोनों महिलाओं को राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोलन में संस्थागन पाटन किया गया। हालांकि सुखद पहलू ये है कि ये दोनों महिलाएं घर नहीं पहुंच पाई थी और उन्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पर केवल 3 पुलिसकर्मी डायरेक्ट इनके संपर्क में आए। SDM सोलन रोहित राठौर ने कहा कि लोगों को इस संदर्भ में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने भी 19 जून को इस बस में यात्रा की हो वह अपना नाम पता RS सोलन को अवश्य दें। उन्होंने कहा कि इनके आने की सूचना प्रशासन को पहले से ही मिल चुकी थी। वहीं बदलेगा कॉलेज एग्ज़ाम स्केड्यूल, बड़ी खबर निकल रही है। फीकी पड़ सकती हैं परीक्षाओं की तैयारी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कॉलेज फाइनल परीक्षाओं के स्केड्यूल को बदलने पर मंथन चर्चाएं होने वाली हैं। बताया जा रहा है कि UGC एक बार फिर से कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर बदलाव करना जा रही है, जिसमें अभी फाइनल परीक्षाओं को ना करवाने को लेकर फैसला आ सकता है और फीकी पड़ सकती हैं परीक्षा की तैयारियां। बताया जा रहा है कि अगर UGC ने अभी भी परीक्षाएं को ना करवाने का फैसला लिया तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग की परीक्षाओं को लेकर की गई सभी तैयारियां फीकी पड़ सकती हैं। हिमाचल में UGC की अंतिम गाइडलाइन का इंतज़ार हो रहा है। कई राज्यों ने परीक्षा ना करवाने का सुझाव दिया है। प्रमोट हो सकते हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के छात्र। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें हिमाचल और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए। धन्यवाद।